हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इलेक्ट्रिकल मंत्रा एंड द टुडे टॉपिक इज एनसी और एनओ स्विच के बारे में हम बात करेंगे कि एनसी और एनओ स्विचेस क्या होते हैं या एनसी या एनओ कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज में ये क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत आपको एक डिटेल वाला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। इसके बारे में आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एनसी एनओ कॉन्टैक्ट्स फुल डिटेल्स। तो अगर हम बात करें एनसी एनओ की फुल फॉर्म के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनओ मीन्स क्या होता है, तो एनओ मीन्स अगर हम बात करें तो एनओ मीन्स होता है नॉर्मली ओपन। क्या? नॉर्मली ओपन। और अगर हम ऐसे ही एनसी की बात करें तो एनसी मीन्स होता है नॉर्मली क्लोज। तो अगर आप हमारी इस फुल फॉर्म से ही सीख रहे हो तो नॉर्मली ओपन यानी कि अगर हम उसको ऑपरेट ना कराएं तो वो क्या है, ओपन है। और अगर हम एनसी की बात करें तो एनसी क्या होता है, एनसी हमारा होता है नॉर्मली क्लोज। जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट्स होता है वो होता है नॉर्मली क्लोज, यानी कि विदाउट ऑपरेशन वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो अभी एक सर्किट डायग्राम, यहां पर मैंने दो सर्किट डायग्राम बनाए हुए हैं। उस सर्किट डायग्राम में जो S1 है वो NO है। क्या है? जो S1 है वो NO है, और यहां पर जो S2 है वो NC है। और यहां पर हमने दोनों सर्किट में हमने क्या दिया है दोस्तों, एक सप्लाई दी है। दोनों सर्किट में क्या है, एक सप्लाई दी है और एक हमने लोड लगाया है। क्या लगाया है? लोड लगाया है। मान लेते हैं ये लोड क्या है, एक बल्ब है। क्या है? बी1, इससे एक बल्ब है, और ये B2 क्या है, एक ये दूसरा बल्ब है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एनसी और एनओ कॉन्टैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो यहां से जो एनओ लगा हुआ है ना, ये सप्लाई यहां तक तो आएगी और आगे मिल गया एनओ। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, जो क्या है, नॉर्मली कंडीशंस में ओपन है। अभी तक यहां पर दबाया नहीं गया है। अगर मैं इसको यहां पर दबाऊंगा तो क्या होगा, ये अब तक NO है, दबाऊंगा नहीं तो क्या है, NO है। तो ये सप्लाई जो यहां से यहां तक आ रही थी वो यहां नहीं जा पाएगी। क्या नहीं जा पाएगी? विदाउट ऑपरेटिंग में क्या नहीं जा पाएगी, ये वाली सप्लाई यहां इस बल्ब पे नहीं जा पाएगी और ये ग्लो नहीं करेगा। तो अगर हम इसको प्रेस करते हैं, मान लेते हैं यहां से हम इसको प्रेस करते हैं, यहां से इसको हम प्रेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये हमारा एनओ था ये हमारा एनसी बन जाएगा, कुछ ऐसा जुड़ जाएगा। ऐसे दबाया तो ये ऐसा जुड़ जाने के कारण ये क्या हो गया, जो हमारा एनओ था वो क्या हो गया, एनसी हो गया। दबाने से एनओ जो होता है वो एनसी हो जाता है। तो क्या आ जाता है, उल्टा हो जाता है। जो हमारा ये हमने यहां पर एनओ लिया था ये कुछ ऐसा था दोस्तों, ये कुछ ऐसी शेप में था, और अगर यहां से हम दबाएंगे तो यहां से ये ऐसे हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग कंडीशंस में आने के कारण, दबाने के कारण, प्रेस करने के कारण क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा हो जाने के कारण ये वाली सप्लाई क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगी। कहां आ जाएगी, हमारे बल्ब पे आ जाएगी, और हमारा जो लोड है वो एक्टिव हो जाएगा, या बल्ब है जो हमारा वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो एनओ होता है, जो एनओ होता है वो दबाने पे क्या होता है, एनसी हो जाता है। तो सप्लाई देता है, दबाने के बाद सप्लाई देता है। तो मैं समझ सकता हूं यहां पर जो एनओ वाला केस था वो आपका क्लियर रहा होगा, एनओ वाला केस आपका क्लियर रहा होगा। तो अगर हम दूसरे सर्किट में देखें तो यहां पर जो S2 लगा है, स्विच 2 लगा है, वो एनसी टाइप है, यानी कि एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज टाइप है। अब नॉर्मली क्लोज होने के कारण क्या हुआ, यहां से जो सप्लाई आ रही है आप यहां पर देख रहे हैं, ये सप्लाई यहां पर जा रही है और वापस घूम के यहां आ रही है। तो क्या हुआ, यहां से सप्लाई गई, नॉर्मली क्लोज स्ट्रक्चर था क्योंकि ये यहां से क्लोज है, ये जुड़ा हुआ है, इसलिए जो हमारी जो सप्लाई है वो हमें कहां मिल रही है, हमारे लोड पर मिल रही है। अब अगर आप देखें, ये था हमारा नॉर्मली जो हमारा ऑपरेशन था, अभी नॉर्मली ऑपरेटेड नहीं है हमारा स्विच,
नॉर्मली ऑपरेटेड नहीं है तो क्या है ये नॉर्मली क्लोज है। उस कंडीशन में अगर ऑपरेटेड नहीं है तो क्या है ये क्लोज है। लोड पर क्या आएगी हमारी सप्लाई आएगी। अगर आप यहां से इसको दबाएं, अगर आप यहां से इसको दबाते हैं तो ये यहां से छुटके कहां चला जाएगा, कुछ यहां से इस साइड आ जाएगा। कुछ दबाएंगे तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट है, ये वाला जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा यहां से दबाने के कारण। तो जो हमारी सप्लाई थी जो नॉर्मली कंडीशंस में क्या थी आ रही थी, वो ऑपरेटिंग कंडीशंस में क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो जो हमारा एनसी होता है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में यानी पुश करने के बाद यानी दबाने के बाद क्या होता है, वो हमारा ओपन सर्किट कर देता है या फिर ओपन हो जाता है। तो हमने यहां पर जो सीखा वो यह सीखा कि हमारा जो एनओ होता है वो दबाने के बाद पुशिंग के बाद क्या हो जाता है, एनसी हो जाता है, और जो एनसी बटन्स होता है वो दबाने के बाद क्या हो जाता है, एनओ हो जाता है। अगले वाले स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे, मैं आपको करवाऊंगा, तो उस स्ट्रक्चर्स में हम एनओ एनसी का यूज देखेंगे कि एनओ एनसी यूज कहां होता है और मल्टीपल बटन्स के बारे में, मल्टीपल स्विच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा, और इलेक्ट्रिकल मंत्रा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।